इस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में जुबानी जंग काफ़ी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में जनता ने सपा की सरकार बनाने का मूड बना लिया है। 2027 में जैसे ही सरकार बनेगी पूरे प्रदेश के बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। उनका कहने का क्या मकसद था, हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए बात करते हैं। जिला अध्यक्ष हैं ब्रजेश गौतम जी, क्या कहना चाहेंगे, वो किस मंशा से सपा मुखिया ने कहा है कि सारे बुलडोजर गोरखपुर तरफ मोड़ दिए जाएंगे? सबसे पहले आज भारत के दो महापुरुषों का, डॉक्टर राधाकृष्णन जी का और जगदेव बाबू जी का एक जन्मदिन और परिनिर्माण है। इस अवसर पर मैं दोनों महापुरुषों को नमन करता हूँ। आपका सवाल है, ये सवाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने गोरखपुर की मीटिंग में कहा, ऐसी स्थिति में कहा है कि जब गोरखपुर में निर्माण का कार्य हो रहा है और निर्माण के कार्यों में बड़े पैमाने पर भू माफियाओं द्वारा सरकार की मिली भगत से भू माफियाओं का जबरदस्त कब्जा है, ऐसी स्थिति में आए दिन जो वहाँ का किसान है आए दिन अपनी मांग को लेकर छोटे छोटे आंदोलन कर रहा है। हम लोग भी कई बार उनकी बात को नेतृत्व पहुँचाने काम किया है, लेकिन सरकार उनकी बातों को सुनने के तैयार नहीं है और किसानों की ज़मीन को औने पौने दाम में बेच रही है। भू माफियाओं का जबरदस्त गोरखपुर में जनपद में कब्जा है। ऐसी स्थिति में जैसा को तैसा जवाब देने के लिए और संवैधानिक तरीके से जैसा को तैसा भी जवाब दिया जाएगा, पर संवैधानिक तरीके से जवाब दिया जाएगा। इन परिस्थितियों में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो बयान आया है कि गोरखपुर में बुलडोजर आएंगे, हम उनके बयान का स्वागत करते हैं। क्या आपको लगता है कि 2027 में सपा की सरकार बन पाएगी, जबकि जो लोकसभा चुनाव हुआ है मंडल की छह सीटों में से मात्र एक सीट किसी तरह जीत पाए हैं आप, तो क्या प्रदेश में सरकार बन पाएगी, ऐसा लगता है अभी आपको? देखिए, पहले तो ये माहौल पैदा किया गया था, वर्तमान डबल इंजन की सरकार ने ये माहौल खड़ा किया था कि हम कभी हार ही नहीं सकते, कोई शिकस्त हमको नहीं दे सकता। 80 में से 80 सीट जीत रहे थे, 400 में 400 से अधिक सीट जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडिया गठबंधन के नेतृत्व ने ऐसा निर्णय लिया, संविधान बचाओ, देश बचाओ, आरक्षण बचाओ, पीडीए जैसे नारा लगा करके अपनी आवाज़ को गांव तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है, जिसका परिणाम रहा है कि उत्तर प्रदेश में जहां 80 में से 80 सीट जीतने का डबल इंजन की सरकार दावा कर रहे थे, हम गठबंधन के 43 सीट जीत करके इतिहास रचने का काम किया। इसी तरह से दो तैयारी हम लोग शुरू किए हैं नेता के निर्देश पर। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि 9 में से 9 सीट गोरखपुर में हम जीत करके 2027 में दिखाएंगे। जैसे कहा जा रहा है कि पीडीए धोखा है, जैसे अयोध्या में जो रेप कांड हुआ उसमें सपा पर आज आई कार्यकर्ता हैं, और संजय निषाद ने कहा कि पीडीए सिर्फ वोट लेने के लिए कह रहे हैं, जबकि पीडीए के लोगों से उनका कोई मतलब नहीं है। आप जिनका नाम लेना ले रहा है संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद जी का, वैसे मैं उनका नाम लेता नहीं, वो खुद अपने समाज के लिए धोखा है। डॉक्टर संजय निषाद अपने समाज के लिए धोखा है, वो पीडीए के लिए धोखा है। ऐसी स्थिति मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो उनकी उत्पत्ति हुई, उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो जाति है बिंद मल्ला केवट वगैरह वगैरह, उन जातियों को उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जात जनजात में शामिल करने के लिए हम जब सरकार में रहेंगे तब वकालत करेंगे, वकालत करने के बाद हम सरकार में उनको ला देंगे। लेकिन ऐसी स्थिति बनी कि डबल इंजन की सरकार में अब तो मंत्री भी हैं अपनी मांग नहीं पूरा करवा पा रहे हैं और रोना रो रहे हैं कि पीडीए धोखा नहीं है। पीडीए ही सच्चा है, बाकी वो जो कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित कुछ जो नेता कर रहे हैं वो धोखा है। अब कह रहे हैं कि पीडीए धोखा नहीं है, पीडीए के लिए सपा कार्य कर रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश यादव। तो क्या कहना चाहेंगे, जो ये बुलडोजर की नीति चल रही है, योगी ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए कलेजा होना चाहिए, तो क्या वो जो अखिलेश यादव ने कहा वो कैसे बुलडोजर चलेगा जब कलेजा ही नहीं रहेगा? ये लोकतंत्र है, भारत लोकतंत्र का देश है, सदा अहिंसावादी रहा है, सोच उसकी अहिंसावादी रही है और यहाँ पर संविधान को वरीयता दी जाती है, नियम कानून से कोई कार्रवाई होनी चाहिए। घर में एक आदमी नालायक हो जाए तो क्या घर का पूरा आदमी उसका भुक्तभोगी होगा?
घर गिरेगा तो पूरा परिवार उसका प्रभावित होगा ना। किसी के यहाँ कोई भी अपराधी हो सकता है, कोई लाइसेंस नहीं है, किसी के वहाँ भी हो सकता है। तो एक आदमी गलती करे उसका खामियाजा पूरा परिवार भोगे, ये कहाँ तक न्याय संगत। तो अखिलेश यादव ने कहा कि जब 27 में सरकार हमारी बनती है तो सारे बुलडोजर गोरखपुर की तरफ जाएंगे, तो क्या वो सही होगा? देखिए, अब वो समय बताएगा क्या होगा। अभी तो 2027 में जब सरकार बनेगी तो हमारे माननीय जी संवैधानिक तरीके से कोई भी काम करते हैं। आपका कहना है कि जो भी काम होगा संवैधानिक तरीके से होगा। क्या नाम है आपका? रामुग्रह यादव। जो ये कहा जा रहा है, योगी जी ने कई जगह मंचों पे कहा कि 2017 के पहले जो भी भर्तियां होती थी उसमें बिना पैसा लिए, बिना घूस लिए काम नहीं होता था, चाचा भतीजा उसूली पर निकल जाते थे, क्या कहना चाहेंगे आप? योगी जी की सरकार में जितनी नियुक्तियाँ हुई हैं सब भ्रष्टाचार और आरक्षण छीनने वाली हैं। इसके पहले जो भी नियुक्ति हुई है 2012 से 17 तक, 2003 से और 7 तक, उसमें इतनी ईमानदारी बरती गई कि गरीबों के परिवार के बच्चे नौकरियां पाए हैं। 2016-17 में जो पुलिस की भर्ती हुई थी मेरिट के आधार पर, उसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई लेन देन नहीं की गई थी। योगी जी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, उनको रिजर्वेशन देना नहीं, 69,000 शिक्षकों वाला आप देख ही रहे हैं, 18,000 बैकवर्ड की सीट हड़प करके, और उसको पुनः नियुक्ति दे नहीं रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहे हैं बार बार, उनके लिए कोर्ट और किसी का कोई मतलब नहीं है। और जहां तक बुलडोजर का सवाल है, अखिलेश जी ने कहा गोरखपुर की तरफ मुड़ जाएगा बुलडोजर। आप जानते हैं हजारों एकड़ जमीन योगी जी नजूल की और किसानों की मुफ्त और औने पौने दाम पर हड़प रहे हैं, ले रहे हैं। फोर लेन बन रहा है, वह मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उनके माफिया लोग ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं, वो खुद विश्वविद्यालय के नाम पर ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, उन्होंने स्वयं अपनी ज़मीन का मुआवजा लिया है। ये कहां तक न्याय संगत है? योगी जी निश्चित रूप से, अखिलेश जी ने कहा कि बुलडोजर को दिमाग नहीं होता, सही बात है, बुलडोजर को दिमाग नहीं होता। और विवेक शून्य आदमी ही इस तरह का निर्णय करता है कि घर किसी का गिरा दे, किसी का परिवार नस्तनाबूद कर दे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संविधान सबको ताक पर योगी जी रख करके काम करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है जो उनकी गलती है उसको कोर्ट और सरकार के माध्यम से हमारी सरकार बनने पर उसको हम ध्वस्त करेंगे। उचान आपका कहना है कि बुलडोजर नीति जो भी है वो अन्यायपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने गरीबों की ज़मीन को हड़पा है उनके ऊपर यदि सपा की सरकार बनेगी तो बुलडोजर चल सकता है। क्या नाम है? हमारा नाम रामनाथ यादव। क्या कहना चाहेंगे बुलडोजर नीति पर? हम कहना चाहते हैं हमारा भारत देश जो है संविधान का देश है, ये संविधान के हिसाब से चलता है। तो बुलडोजर अगर गलती बाप करता है तो उसका सजा बेटा क्यों भुगते? उसका न्यायालय में जा करके निर्णय होना चाहिए, मजिस्ट्रेट क्या करेगा? जब सब कुछ बाबा ही कर देंगे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किस लिए बैठा हुआ है? न्याय तो वो देता है, मुकदमा तो थाना पर लिखा जाता है, लेकिन मुकदमा सजा थाना नहीं देता है, सजा कोर्ट देता है। तो ये थाना भी है, कोर्ट भी है और तानाशाह भी है। तो 5 साल के लिए जनता ने उनको मौका दिया है, इसे सब ऊप करके जनता पुनः माननीय अखिलेश यादव सरकार बनाएगी और जो कोर्ट है, अदालत है, उस अदालत के हिसाब से, न्याय के हिसाब से जो गलत कब्जा किए हैं उस पर बुलडोजर चलेगा। अब बुलडोजर अखिलेश यादव का बुलडोजर जो आने वाला है 27 में उसकी बात, अखिलेश यादव जी का जो उनका ये कहना है कि बुलडोजर गोरखपुर में आएगा, गोरखपुर के ही निर्देश पर पूरे प्रदेश में बुलडोजर जाता है, तो उनका ये कहना है कि पूरा प्रदेश का बुलडोजर गोरखपुर में आएगा, सारी गलतियां, सारा लूट खसोट, गोरख धंधा गोरखपुर में ही है। मतलब योगी जी की तरफ इशारा है क्या उनका? अरे भाई, जो भी गलत करेगा, चाहे योगी जी करे चाहे योगी जी करे, आप कहें कि जैसे कि गोरखपुर से ही सारे बुलडोजर चल रहे हैं इन्हीं के इशारे पे, तो क्या उनका इशारा इधर है? इधर आई है, जो गलत वही कर रहे हैं। अभी मार साहब बताया कि कई 100 एकड़ जमीन गरीबों का ले लिए, बिना नजूल की जमीन ले लिए, मुआवजा नहीं दिए, फोर लेन में नहीं दिए, गीडा में जमीन कब्जा करवा रहे हैं। और 2017 से अभी उसका जो है क्या कहते हैं उसको बढ़वाए नहीं, 70 की रेट नहीं बढ़वाए, 17 से मान लो 17-7-24 होता है और 7 साल तक सर्किल रेट नहीं बढ़ा, 4 गुना देने के लिए कह रहे हैं, तो पुराना रेट हो जा रहा है। आपका कहना है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, सर्किल रेट बढ़ा नहीं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू अंसारी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मौजूदा सरकार है, ये सरकार आम जो पिछड़े अनुसूचित अल्पसंख्यक आदिवासी समाज के लोग हैं इनके लिए नहीं है ये सरकार। ये सरकार पूर्णतः कुछ पूंजीवादियों के लिए काम कर रही है और जो निचले तबके के लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं,
वो आज के दौर में काफ़ी परेशान है। आज आप देख सकते हैं कि सोने का 10 ग्राम का दाम 74,500 रुपया हो गया। अब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक मध्यम परिवार के लोग जो अपने बेटे बेटियों को शादी करते हैं, 2 थान 4 थान 5 थान अगर वो जेवर चढ़ाते हैं तो वो कहाँ से चढ़ाएंगे। आज जो डॉक्टर कृष्णापल्ली जी के उपलक्ष में जो आज शिक्षक दिवस रखा गया, मैं कहता हूं कि जो ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले लोग हैं, ये वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जान रहे हैं कि गरीब तबके निचले तबके के बच्चे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो हमारी सत्ता शासन जो चल रही है, जो मनुवाद हम चला रहे हैं इस देश में, वो मनुवाद खत्म हो जाए। जो सोने की बात कहे, ये लोग कह रहे हैं जो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, आवास दिया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये एक छलावा है। एक तरफ तो ये 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ अपने आप को विश्वविख्यात कहला रहे हैं और प्रगतिशील सरकार। हम कह रहे हैं कि जब आप इतनी प्रगति कर रहे हैं, प्रगतिशील कर रहे हैं, तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की ज़रूरत क्या पड़ी? हम कह रहे हैं कि एक तरफ तो ये राशन दे रहे हैं, लेकिन दूसरे हाथ से चारों तरफ से लोगों से पैसा निकाल ले रहे हैं। आज आप गैस सिलेंडर का दाम देख लीजिए, एक अगर कोई सब्जी लेने जाए तो 50 रुपया के जी के नीचे कोई सब्जी नहीं है। एक मध्यम परिवार, एक गरीब परिवार किस तरह अपना घर यापन कर रहा है, उसके दिल से जाकर पूछे तो आप जाने। देखिए, आप लोगों का कहना है कि बड़े मुश्किल से कोई मकान बनता है, यदि एक आदमी किसी तरह से आरोपी हो गया या अपराधी हो गया तो उसके पूरे परिवार का मकान गिराना कहीं से भी जायज नहीं है। और इस समय जो भी काम हो रहे हैं, किसानों की ज़मीन ली जा रही है, वो औने पौने दाम पर ली जा रही है, 7 साल से सरकार रेट नहीं बढ़ा है, इससे किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और 2027 में जब सपा की सरकार बनेगी तो सबके साथ न्याय किया जाएगा। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर चंद्र कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।